Hello everyone. So today we'll be discussing problem for practice 3 ka question number 3 of the topic differentiation. Problem for practice 3 mein agar aap question number 3 dekhoge to y is equal to square root of 2x plus 3 raised to 5 upon 3x minus 1 the whole cube into 5x minus 2. बराबर अभी सबसे पहले ये जो square root है उसको मैं next step में लिखेगा raise to half. 2x plus 3 raise to 5 upon 3x minus 1 the whole cube 5x minus 2 the whole raise to 1 by 2. अब अगर आप ये क्वेश्चन में देखो तो बहुत सारा टर्म्स मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कोशेंट ऑफ टर्म्स. एंड इफ यू लुक एट माय पॉइंट सेक्शन, ये टाइप वन है. टाइप वन तो टाइप वन का स्टेप्स फॉलो करते हैं. स्टेप नंबर वन, सर टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो इट इज लॉग ऑफ 2x प्लस 3 रेज टू 5 upon 3x minus 1 the whole cube upon 5x minus 2 the whole raised to 1 by 2. अब हम log का rules and properties use करेंगे, जिसमें पहला rule वो जो power half है उसको नीचे लेके आओ. तो log y is equal to half log of 2x plus 3 raised to 5 upon 3x minus 1 the whole cube into 5x minus 2. और फिर इधर हम log का property यूज करेंगे. रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 एक साथ यूज करेंगे. क्या था वो रूल? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जितने भी टर्म्स है हम सबको log देंगे. और उसमें लॉजिक क्या था? न्यूमरेटर वाले को log दिया तो प्लस प्लस प्लस, डिनोमिनेटर वाले को log दिया तो माइनस माइनस माइनस. अब जब मैं ये रूल यूज करेगा ना, तो क्योंकि बाहर 1 अपॉन 2 है तो मेरे को ये लॉग का रूल एक ब्रैकेट के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज 1 बाई 2 इज कॉमन टू द एंटायर क्वेश्चन. ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में लॉग वाई इक्वल टू हाफ ब्रैकेट के अंदर, न्यूमरेटर वाले को लॉग दो तो इट इज लॉग ऑफ 2x प्लस 3 रेज टू 5. डिनोमिनेटर वाले को लॉग दोगे तो माइनस लॉग ऑफ 3x माइनस 1 द होल क्यूब. एंड वापस दूसरा टर्म भी डिनोमिनेटर में है तो उसके लिए भी माइनस लॉग ऑफ 5x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज. फिर ये वाला लॉग और ये वाला लॉग देखो, उधर भी टर्म का पावर है और उस पावर को मैं नीचे लेके आ सकता हूं. तो दिस विल बी लॉग वाई equal to half 5 log of 2x plus 3 minus 3 log of 3x minus 1 minus log of 5x minus 2 bracket close. And now let us derivate. तो जब आप इसको differentiate करोगे with respect to x, so what is log y ka derivative? While derivating any y term we use the standard formula and multiply it with dy by dx. So log y ka derivative aayega 1 upon y into dy by dx. Acha, ab dekho ye 1 ye 2 aur ye 3, ye tino terms standard formula se perfectly match nahi hota. हाँ सर, लेकिन ये log x जैसा है. एंड क्लियरली log x में x के जगह पे देखो, यहाँ पे वो लोग ने 2x plus 3, इधर 3x minus 1 और इधर 5x minus 2 दिया है. तो वी नो दैट x के जगह पे जो भी दिया रहता है वो f of x होता है. तो ये तीनों log log f of x के लॉजिक से डेरिवेट होगा, है ना. अच्छा, log x का डेरिवेटिव क्या है? log x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन x.
तो वैसे ही log f of x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन f of x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f of x. तो वो हिसाब से 5 एज इट इज log 2x plus 3 का आएगा, 1 अपॉन 2x plus 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x plus 3, तो 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा और 3 का 0, तो वी कैन इग्नोर इट. माइनस 3 इसका आएगा 1 अपॉन 3x माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 1, तो 3x का डेरिवेटिव 3 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो इवेंचुअली ये डेरिवेटिव 3 आएगा. माइनस 1 अपॉन 5x माइनस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विच इज 5x माइनस 2, तो 5x का डेरिवेटिव 5 आता है एंड 2 का डेरिवेटिव 0, तो वी कैन इग्नोर 2 का डेरिवेटिव. ब्रैकेट क्लोज. अब नेक्स्ट स्टेप में मैं y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इट इज y इंटू 1 बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 5 इंटू 1 इंटू 2 ये आएगा 10 अपॉन 2x प्लस 3 माइनस 3 इंटू 1 इंटू 3 9 अपॉन 3x माइनस 1 माइनस 5 अपॉन 5x माइनस 2. आर यू गेटिंग दिस? और फिर आप क्या करो, जो ये y का वैल्यू है वो ये क्वेश्चन में से सब्स्टिट्यूट कर दो. यस, नेम दिस एज इक्वेशन 1 एंड देन y का वो बड़ा वैल्यू आप इधर पुट कर दो इन द नेक्स्ट स्टेप. ओके, एंड देन इधर रीजनिंग दे देना फ्रॉम 1. वेरी सिंपल.